सरकारी जॉब्स के बारे में बताएंगे जो छात्र अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और प्रशासनिक सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए अभी से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, तो चलिए इन जॉब के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है और कैसे इनके लिए आपको अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है, इसके लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन सी पोस्ट है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, महाराष्ट्र मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य विकास अधिकारी की भर्ती के लिए 69 जगह रिक्त है जिसका वेतनमान 9,300 से 34,800 है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2019 है जिसके लिए आयु 18 से 38 के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता मत्स्य विभाग में स्नातक होना आवश्यक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई करें। दूसरी जॉब की खबर आ रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तकनीकी समन्वयक की भर्ती जिसके लिए कुल 16 पद रिक्त है जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 21 दिसंबर 2018 से लेकर अंतिम तिथि 11 जनवरी 2019 तक दी गई है। पात्रता मापदंड 40 साल तक की आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम फुल टाइम क्वालिफिकेशन बीई बीटेक डिप्लोमा होल्डर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ ही उपचार की अवस्था के बारे में लिखने की क्षमता होनी चाहिए। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बड़ी जॉब की खबर यह है कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए 442 जगह रिक्त है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 18 से लेकर अंतिम तिथि 12 जनवरी 19 तक भरे जाएंगे। पात्रता मापदंड में आवेदनकर्ता की आयु 16 साल से 24 साल के बीच की होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता में वेल्डर 8वीं पास प्लस ITI, इलेक्ट्रिशियन 10वीं पास प्लस ITI और फिटर 10वीं पास प्लस ITI होना जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथी नई जॉब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया 27 दिसंबर 2018 से प्रारंभ हो चुकी है जिसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2019 है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारी के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 38 वर्ष तक दी गई है। शैक्षणिक योग्यता MBBS होना जरूरी है। पांचवी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की खबर UP पुलिस भर्ती। इसमें होगी 51,950 सिपाहियों की भर्ती। प्रदेश पुलिस में अब लगातार भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में 51,950 सिपाहियों की भर्ती होनी है। जालौन और सुल्तानपुर में ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। जनवरी 2019 से भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन में दिखाई दे रहे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें जिसमें क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना अनिवार्य रहेगा। 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जिसके लिए 12वीं पास ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 38 से 43 के बीच की दी गई है। इच्छुक आवेदनकर्ता स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की खबरें देते रहेंगे, तो देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।